students, today we will discuss about fertilization in angiosperms. So what is fertilization? Fertilization mein there is a male gamete. So here fusion of male gamete, that is sperm in many cases, or can say male nuclei, then fusion of male gamete occurs with female gamete, that is egg. And this fusion, this results in formation of a zygote which is diploid. That means the male gamete and the female gamete, they are haploid and they form a diploid zygote which further develops into embryo and hence into plant body. So this is fertilization. So fertilization in case of angiosperm, it was given by Strasburger in 1884. So अब जब fertilization की process जो है वो start होती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, first step, that is pollen pistil interaction. So pollen pistil interaction नाम से ही पता लग रहा है. तो plants के case में जो male gamete होता है that is pollen and female gamete that is egg. तो pollen pistil interaction में सबसे पहले क्या होगा, there is interaction between pollen and pistil, that is the female reproductive part of the plant. तो सबसे पहले क्या होगा, जो सपोज दिस इज स्टिग्मा, तो पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन के प्रोसेस से जो पॉलन ग्रेन है दैट हैज नाउ रीच्ड द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. अब सरफेस ऑफ स्टिग्मा पे जो पॉलन पहुंच गया है तो यहां पर इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा. तो सबसे पहले क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर जो है स्टिग्मा कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वाटरी सब्सटेंस ऊज आउट करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो स्वेल हो जाता है और इस तरह से ये जर्मिनेट होने के लिए तैयार हो जाता है. लेकिन स्वेलिंग से पहले यहाँ पर क्या होता है, देयर अकर्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन होती है किसके बीच में, जो पॉलन ग्रेन की जो वॉल है उसमें जो प्रोटीन्स हैं और कुछ फैक्टर्स जो है वो स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर है, उनके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा. अगर वो रिकॉग्निशन, वो केमिकल्स जो वो कंपेटिबल होता है वो रिकॉग्निशन, तभी उसी केस में जो पॉलन है इट विल जर्मिनेट. अब हम अगर रिकॉल करें, हमने पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में ये सारी जो डेवलपमेंट थी वो कर ली थी. हमने पढ़ा था कि देयर आर सर्टन पॉलन्स, सर्टन प्लांट्स इन विच पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट टू सेल स्टेज में, जिसमें कि एक बड़ा सेल था जिसको वेजिटेटिव सेल बोल रहे थे और दूसरा जो छोटे वाला सेल था दैट इज जनरेटिव सेल. और कुछ केसेस में हमने पढ़ा था कि देयर आर थ्री सेल्स एंड द पॉलन इज रिलीज्ड एट थ्री सेल स्टेज. तो इस तरह से ये तो हुआ पॉलन का रिलीज. अब पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे आ गया है. नाउ व्हाट विल हैपन वी हैव सीन कि पॉलन ग्रेन जो है बाई सेल स्टेज पे होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो ट्यूब बननी शुरू होती है. ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस है, ये पहले यहाँ पर माइग्रेट होता है, उसके बाद जो है ट्यूब बनते बनते ही क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो बनते हैं, जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होता है. तो ये सारी जो स्टेजेस हैं वो असल में कहाँ पर हो रही हैं, ये हो रही हैं स्टिग्मा के ऊपर, इस तरह से. दिस इज द स्टिग्मा. तो इस तरह से एंजियोस्पर्म में हम देख रहे हैं कि देर इज अ पॉलन ट्यूब विच इज फॉर्मिंग टू ट्रांसफर द मेल गैमेट फ्रॉम हियर टू द ओवरी. ओवरी में जो है मेल गैमेट कहाँ जाना है, ओव्यूल के अंदर. तो
तो इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी, वेयर द मेल गेमिट इज डिलीवरिंग टू द एग विद हेल्प ऑफ अ पॉलन ट्यूब, इट इज नोन एज साइफोनोगैमी। सो इस तरह से ट्यूब बन रही है। अब यहाँ पर ट्यूब जो है वो कैसे बनती है, तो इनिशियल जो ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की, सो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, जो इसकी इनिशियल ग्रोथ है दैट विल टेक प्लेस, इनिशियल ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द पॉलन ग्रेन, ठीक है, और स्टोर्ड एनर्जी विद इन पॉलन ग्रेन, और बाद में जो इनिश जो फर्दर ग्रोथ पॉलन ट्यूब की होती है अप टिल ओव्यूल, वो जो उसकी जो सब्सिक्वेंट ग्रोथ होती है, इट अकर्स, सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन इट अकर्स विद हेल्प ऑफ द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द स्टिग्मा। सो हाइड्रोलाइजिंग ऑफ सेल्स ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल, स्टाइल बेसिकली सेल्स ऑफ स्टाइल। तो अब स्टाइल क्या है, वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड इट कैन बी हॉलो। जब हॉलो है स्टाइल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब जो है इजीली ग्रो कर सकती है। लेकिन जब स्टाइल जो है वो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या है, जो पूरा का पूरा स्टाइल है इट इज कंपोज ऑफ थिक, जो इस तरह से सेल्स के साथ कंपोज है, दिस इज हॉलो स्टाइल। सो दिस स्टाइल हियर यू कैन सी, इस तरह से अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स की टाइट पैकिंग है। अब पॉलन ट्यूब को अगर खुद को पुश करना है यहाँ से, तो इट हैज टू सिक्रीट सब सब्सटेंसेस ताकि ये जो आगे ग्रो कर सके और ये जो सेल्स हैं उनको हाइड्रोलाइज कर सके। तो पॉलन ग्रेन जो है वो क्या सिक्रीट करता है, पॉलन ग्रेन सिक्रीट्स सिक्रीट्स सम एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, दीज एंजाइम्स आर एक्सोजीनस पेक्टिनेजेस, पेक्टिनेजेस एंड सम अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो अगर इन केस स्टाइल जो है वो सॉलिड है, तो इन एंजाइम की हेल्प से पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी। ग्रो करते करते ही क्या हो रहा है, अंदर जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस था उसने डिवाइड किया और दो मेल न्यूक्लियाई जो है वो बने, मेल न्यूक्लियाई। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हो गया, कंपैटिबल इंटरेक्शन हुआ और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी। तो दूसरा स्टेप हम बोलेंगे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को। अब तीसरा स्टेप हमारा आगे क्या आएगा, अब पॉलन ट्यूब ग्रो तो कर रही है, उसको अब जाना है ओव्यूल के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब हमने देखा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही थी, वो ओवरी में एंटर कर रहा था। ओवरी में पहुंचने के बाद जो हमारे पास जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, उसकी एंट्री होनी है ओव्यूल में। तो एक डायग्राम जो हम बना लेते हैं यहां पर, सो दिस इज ओवरी, सो हियर दिस इज द ओव्यूल। मैं यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल ही बनाऊंगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। सो इस तरह से These are the integuments. So here this is the nucellus part. ये है chalazal end और ये जो इधर से जो है ovule का जो mouth है that is known as micropyle. So this end is known as micropylar end.
और माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एग सेल और सिनर्जिड्स। उसी तरह से जो चेलेजल पोल होता है वहां पर होते हैं 3 एंटीपोडल्स और यहां पर होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर दी 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो अब हमारी जो पोलन ट्यूब है, सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन, सो ये हमारे पास पोलन ट्यूब है, ये यहां पहुंच चुकी है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जो पोलन ट्यूब की एंट्री है ओव्यूल के अंदर, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है, सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है दैट इज कॉल्ड पोरो गैमी, दैट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मेथड्स। तो पोरोगैमी में क्या होगा, सिंपली जो हमारे पास पोलन ट्यूब है इस तरह से, ये माइक्रोपाइल के थ्रू जो पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ये हमारे पास जो अंदर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज द फीमेल एम्ब्रियो सैक विच हाउसेज द एग। मेल गैमेट कहाँ पहुंचने चाहिए, एग के पास। तो जब इस तरह से ट्यूब आई और यहां पर माइक्रोपाइल के थ्रू ये अगर अंदर एंट्री करेगी तो उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। तो एग्जांपल फ्लावर का जिसमें ये होता है दैट इज लिली, और ये हमारे पास यहाँ दीज आर दी मेल गैमेट्स, सपोज दीज आर दी मेल गैमेट्स। तो इस तरह से जो पोलन ट्यूब एंट्री होगी दैट इज पोरोगैमी। तो दूसरा जो तरीका है जो थोड़ा लेस कॉमन है इससे, दैट इज दूसरा जो है दैट इज चेलाजोगैमी, इट इज लेस कॉमन है पोरोगैमी से कम। चेलाजोगैमी, अब नाउ द नेम इज इंडिकेटिंग चेलाजोगैमी, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू चेलाजल एंड। तो यहां पर क्या होगा, सिंपली जो हमारे पास पोलन ट्यूब है इट विल एंटर थ्रू चेलाजल एंड। तो ये हमारे पास आ गया चेलाजोगैमी। तो यहां पर मैंने पूरी जो आपके पास पूरी ट्यूब ड्रॉ नहीं की है, आई एम जस्ट शोइंग यू। थर्ड वन जो है, कई बार जो है वो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है, यहां से आएगी और इन टेगुमेंट्स को पेयर्स करते हुए वो अंदर मेल गैमेट जो है वो रिलीज करेगी, तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। तो पोलन ट्यूब व्हेन एंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट्स या लेटरल, किसी भी साइड से जो है लेटरल साइड से इस तरह से इधर से एंटर होगी तो उसको हम बोलेंगे मीजोगैमी। इट इज रेयर, सबसे कम जो है ये होती है, और एग्जाम्पल जिसमें ये होती है दैट इज कुकुरबिटा। सो दिस वॉज मोड ऑफ पोलन एंट्री। तो यहां पर हम बता देते हैं ये इस तरह से जब एंट्री होगी तो इसको हम बोलेंगे मीजोगैमी। सो अब क्या है, अब हमारे पास जो है जो पोलन ट्यूब है हमने देख लिया ओव्यूल के अंदर कैसे मेल गैमेट को कैरी करके पहुंच रही है। तो सबसे कॉमन पोरोगैमी है, इसलिए हम पोरोगैमी को ही डिटेल में करेंगे। तो इसी चीज को मैं लार्ज करके यहाँ देख लेते हैं पोरोगैमी को, और हम जो एम्ब्रियो सैक का टाइप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक। तो यहां पर मैं एक एम्ब्रियो सैक को ही एनलार्ज करके आपको दिखाऊंगी। तो दिस इज एग सेल, दीज आर दी सिनर्जिड सेल्स। अब सिनर्जिड सेल जो होते हैं उनमें एक स्पेशल एक एपरेटस होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था जब हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बोल रहे थे। दिस एपरेटस, दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। सो दीज आर दी सिनर्जिड्स।
अब सबसे पहले क्या होगा, जब पॉलन ट्यूब ये हमारे पास आ गई माइक्रोपाइलर एंड ये आ गई चिलाजल एंड एंटीपोडल ऊपर की तरफ है। अब पॉलन ट्यूब जब सबसे पहले यहाँ पहुंचेगी उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो वो एनलार्ज हो जाती है, वाइड हो जाती है। तो इस तरह से पॉइंटेड जैसे हमने वहां शो की थी, तो हम इसको अब थोड़ा सा इस तरह से शो करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर है मेल गैमेट्स। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब एक सिनर्जिड जो है वो इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। ये जो है वो डीजेनरेट जब होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है, सिनर्जिड डीजेनरेट होता है और फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, इट गाइड्स इट्स एंट्री इनटू द ओव्यूल। तो ये ओव्यूल की वॉल है, इसके अंदर इसकी एंट्री को गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फंक्शन फिलीफॉर्म एपरेटस का पूछ लिया जाता है, तो इसका फंक्शन क्या है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। साथ ही पॉलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड से होकर ही क्यों जाती है, तो सिनर्जिड जो है दे सीक्रेट सम केमिकल्स, और केमिकल्स वो उन केमिकल की तरह पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है और उसी तरह उसकी ग्रोथ होती है। तो ऐसी ग्रोथ जो केमिकल्स के थ्रू हो, केमिकल्स के अट्रैक्शन पर हो, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक। सो हेयर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब नाउ इज कीमोट्रॉपिक। सो ये बात होगी इसकी। फिर नेक्स्ट अब क्या चेंजेस आएंगे, so this is the egg cell, this is synergid, now it has started to degenerate, और साथ ही क्या हो गया है, हमारी जो pollen tube है it has pierced, और ये अंदर जो है वो पहुंच गई है। जब अंदर ये पहुंच जाएगी तो फिर क्या होगा, दो fates यहाँ पर होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर दो मेल न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने बात की थी टू पोलर न्यूक्लियाई की, तो इनको भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, जो मेल गेमीट है इनमें से एक मेल गेमीट जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, और दूसरा जो मेल गेमीट है वो फ्यूज करेगा इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दीज आर द टू पोलर न्यूक्लियाई। सो this is the second male gamete and this is first male gamete। तो यहां पर भी सीक्वेंस बच्चों क्या रहता है, पहले जाइगोट बनता है, पहले मेल गेमीट जो है एग को फ्यूज करेगा, फिर दूसरा मेल गेमीट जाएगा और पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। तो हियर व्हाट विल बी द रिजल्ट, अब यहां पर बन जाएगा जाइगोट, सिनर्जिड जो है वो डिजेनरेट हो गए हैं, क्योंकि अब क्या हुआ मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया और क्या बन गया जाइगोट। और दूसरे केस में जो यहां पर आपने देखा सेकेंड मेल गैमीट जो है इन दो न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ और यहां पर बन जाएगा एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या हुआ, जो मेल गेमीट था वो भी हैप्लॉइड था, अगर आप रिकॉल करें ये जो पोलर न्यूक्लियाई है दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड। तो तीन न्यूक्लियाई यहां पर फ्यूज हुए, इसलिए ये जो न्यूक्लियस यहां पे बन गया ये बन गया ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। इसीलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, मीन तीन न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हुए। तो यहां पर अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो न्यूक्लियस बना इसको हम बोलते हैं पेन। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब फर्दर फेट इनका क्या है, जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड this primary endosperm nucleus it will give rise to endosperm, और endosperm का काम क्या है, it is the nutritive tissue which will give nourishment to the developing embryo। तो अब zygote पहले बना उसके बाद हुआ triple fusion, लेकिन अब क्या होगा, पहले
एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट शुरू होगी, ताकि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो तो एम्ब्रियो को रेडीमेड न्यूट्रिशन जो है वो पहले मिले। तो ये जो प्रोसेसेस हुई, हमने देखा दो जगह फर्टिलाइजेशन हुई, तो ये एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नोट कीजिए, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों बोला डबल? क्योंकि एक मेल गैमेट ने एक जगह फर्टिलाइजेशन की और दूसरे मेल गैमेट ने दूसरी जगह फर्टिलाइजेशन की। तो इस तरह से क्या बना? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना एंडोस्पर्म के लिए और जाइगोट बना, तो इसको हमने ट्रिपल फ्यूजन। तो ये था हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ये जो प्रोसेस था, इट वॉज गिवन बाय देवर टू साइंटिस्ट, नवाश्चिन, इन 1898 ही गेव द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ही स्टडीड इट इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्लॉइडी पूछ ली जाती है, तो एग सेल जो है इट इज हैप्लॉइड, मेल गैमेट इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड, और दूसरा जो मेल गैमेट है इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, और यहाँ पर ये जो पोलर न्यूक्लियाई है दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड, तो एन प्लस एन प्लस एन, तो हेयर दिस बिकम्स 3N। दैट वॉज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन।